यह है बनारस की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट दाल मंडी। यहाँ पर आप हर एक सामान बिल्कुल सस्ते रेटों में पा सकते हैं, चाहे वो मोबाइल एसेसरीज हो लाइक रिंग लाइट हो या कि फिर मोबाइल का बैक कवर। ये देखिए, इस सड़क को नई सड़क के नाम से जानते हैं और यही जो सड़क है ये गंगा घाट की तरफ चली जाती है और यहीं से बाएं साइड में आपको एक गली दिखाई देगी जो दाल मंडी गली के नाम से जानी जाती है और यही गली जो है कि पूरा दाल मंडी मार्केट है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। शुरुआत में ही आप देख सकते हैं कि लड़कियों के लिए यहाँ पर उनके कपड़े दिखाई देंगे और साथ ही साथ आपके लिए ये जो रेडीमेड कपड़ा है वो भी खरीद सकते हैं, इसको खरीद के सिलवा सकते हैं। बिल्कुल सस्ते रेटों में तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। रिंग लाइट लेना है या कि फिर मोबाइल का बैक कवर लेना है, अदर मार्केट से बिल्कुल सस्ता और होलसेल रेट में आपको यहाँ पर मिलता है। हर एक एसेसरीज, हर एक चीज़ का डिटेल हम आपको बताएंगे। अगर आप कभी दाल मंडी में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर नए हैं आप तो जा कर के भटक सकते हैं। जो चीज़ आप खोजने जाएंगे वो जल्दी नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पर। तो जैसे ही आप शुरू में एंट्री करते हैं आपको ज़्यादातर चीज़ें जो है कि कपड़ा से रिलेटेड मिलती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाएं साइड में और दाएं साइड में दोनों तरफ। और साथ ही साथ आपको ज्वेलरी भी मिलती है यहाँ पर। और ये देखिए, जो लोग कपड़े लेकर के सिलवाना चाहते हैं, जो फॉर्मल कपड़ा पहनना पसंद करते हैं वो यहाँ से खरीद सकते हैं। ये शाम के करीब 4 बजे का नज़ारा है और डेफिनेटली प्रत्येक दिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। दाल मंडी के खुलने का समय सुबह 9 बजे के बाद ही, यानी कि 10 बजे से होता है। ये देखिए, मदीना खजूर स्टोर सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है कि पूरे बनारस में सबसे बेहतरीन खजूर मिलते हैं। अगर आपको दाल मंडी में आना है तो रविवार के दिन मत आएं, क्योंकि रविवार के दिन यानी संडे को ज़्यादातर दुकानें जो हैं कि वो बंद रहती है। ये देखिए, सैंडल लड़कियों के लिए, औरतों के लिए यहाँ पर बहुत ही सस्ते दामों पर सैंडल मिलते हैं, जैसा आप चाहें, स्लीपर या जो भी। और साथ ही साथ में ये पर्स भी, जो हैंड पर्स होते हैं औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, ये भी बिल्कुल सस्ते रेटों में और ज़्यादातर यहाँ पर फिक्स रेट होते हैं, एक दाम। कोई दबाव नहीं है, आप अपनी चीज़ें बिल्कुल पसंद करके इत्मीनान से आराम से यहाँ पर ले, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक शॉप है तो सिर्फ एक ही शॉप है। अगर वहाँ पर स्लीपर के शॉप है तो बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये चूड़ी कंगन आपको मिलेंगे और ऐसी बहुत सी दुकानें हैं, आप अपनी मनपसंद की चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कहीं दुकान किए हुए हैं तो यहाँ से होल सेल में भी ले जा करके आप वहाँ पर बेच सकते हैं। एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, आप यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो आप जब भी आएँ तो थोड़ा वक्त लेकर के आएँ। इस मार्केट में अगर घूमना है आपको तो एटलीस्ट 1 घंटे का समय लेकर के आएंगे तो थोड़ा घूम पाएंगे और अच्छे से चीज़ों को देख पाएंगे। अभी हम लोग जहाँ पर हैं, शुरुआती में आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो है कि कपड़े और जो ज्वेलरी है, चूड़ियाँ हैं, सैंडल है, ये महिलाओं से रिलेटेड है। आगे आप पढ़ेंगे तो आगे आपको तमाम चीज़ें, मोबाइल एसेसरीज, रिंग लाइट, बैक कवर और टच फोल्डर, तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। सामने देखिए बहुरानी लिखा हुआ है, ये देखिए पूरा एक फैंसी डिज़ाइन का है। दाल मंडी बनारस की बिल्कुल फेमस मार्केट है और बहुत ही पुरानी मार्केट है। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए कितने फैंसी बैग हैं यहाँ पर, हैंड पर्स लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन यहाँ पर। वाकई में बहुत ही गजब की चीज़ें और बिल्कुल सस्ते दामों पर। थोड़ा सा स्मार्टली आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा ताकि आप ठगे न जाएं।
कई बार ऐसा होता है कि दाल मंडी में आप ठगे जाते हैं और पूरी दाल मंडी की बदनामी होती है। बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं, अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली यहाँ पर परचेज करते हैं कोई भी चीज़ को, उनकी बातों में ना आए अपने हिसाब से, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, बहुत सारे यहाँ पर सामान हैं, तो उस हिसाब से आप जज करके कि क्या सही है क्या गलत है आप बाई कर सकते हैं और गिफ्ट भी खरीद सकते हैं। गिफ्ट की भी अलग अलग शॉप्स हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए बर्तन के लिए यहाँ पर, और साथ ही साथ ये देखिए किचन से संबंधित सामान यहाँ पर रखा हुआ है, चूड़ियाँ, पर्स, कपड़े, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए अब जो आप सीन देख रहे हैं ये पर्स का बेसिकली शुरू हो चुका है। होलसेल मार्केट का मतलब यही होता है कि जो चीज़ मिलता है वो कंटिन्यू। यहाँ पर देखिए ज्वेलरी जो आर्टिफिशियल होती हैं बेहतरीन ढंग से, यहाँ पर देखिए नमकीन का कलेक्शन है, आप अनेकों प्रकार के नमकीन यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, उसे बाय कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और आपको दिखाएंगे वहाँ पर, ये देखिए कितना अद्भुत कलेक्शन है बैग का, और बिल्कुल फिक्स रेट होता है, कोई यहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं है, आप पसंद कीजिए और पैसा दीजिए और आराम से चले जाइए। जितना दाल मंडी में भौकाल रहता है कि चोरों की मार्केट है, ये है वो है, चोर बाजार है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, आप बिल्कुल इजीली खरीद सकते हैं, ये लोग भी इंसान हैं और अच्छे से बात करेंगे तो बहुत ही आराम से आप चीज़ें कम पैसों में खरीद के ले जा सकते हैं। ये देख लीजिए इसमें तमाम तरह के औरतें बच्चे बूढ़े सभी लोग नज़र आएंगे बाय करते हुए परचेज करते हुए। नकाब हाजी स्टोर से अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए कंटिन्यू चल रहे हैं, करीब करीब अगर आप कंटिन्यू चलते हैं जो दाल मंडी वाली गली हम शुरू में दिखाएं, तो इस गली से उस पार जाने में आपको करीब से करीब 15 से 20 मिनट लग सकता है। और ये 15 से 20 मिनट का सफ़र, ये देखिए 15 से 20 मिनट का सफ़र आपको पूरा दाल मंडी दिखाएगा। इसी दाल मंडी के बीच में अगर आप चिकन के शौकीन हैं तो बेहतरीन चिकन मटन आपको ये भी मिलेगा, इसलिए कहते हैं कि दाल मंडी में अगर आप चले गए तो कंप्लीट मार्केटिंग। ये देखिए खजूर यहाँ पर रखा हुआ है, बहुत ही उत्तम क्वालिटी का खजूर आप यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ देखिए लेग पीस तले जा रहे हैं, तो अगर आप मार्केट करते करते थक गए तो वहाँ पर बैठ करके आप नाश्ता कर सकते हैं, अगर आप ये सब चीज़ें खाते हैं तो। ये देखिए यहाँ पर कप वगैरह खरीद सकते हैं, चश्मे की भी दुकान है, ऑप्टिकल यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से ना धीरे धीरे बैक कवर आपको देखना शुरू हो गया होगा, मोबाइल रिपेयरिंग आपको दिखनी शुरू हो गई होगी। ये देखिए मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप, ज़्यादातर जो लोग जाते हैं दाल मंडी में वो बैक कवर खरीदने जाते हैं, रिंग लाइट खरीदने जाते हैं, अपने मोबाइल का डिस्प्ले बनवाने जाते हैं और जो टच होल्डर टूट जाता है वो बनवाने जाते हैं, बेहतरीन दुकान। हाँ लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा आपको अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि दुकानें जब ज़्यादा होती हैं तो लोग ठगे ज़्यादा जाते हैं, तो थोड़ा सा स्मार्टली आपको चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा। देखिए एलसीडी टच फोल्डर यहाँ पर लगाए जाते हैं, रिपेयरिंग किया जाता है, अभी हम आपको अंदर लेकर के चलेंगे। ये देखिए बैक कवर, बैक कवर का ज़बरदस्त कलेक्शन यहाँ पर। चलिए हम आपको थोड़ा सा और अंदर जो मार्केट है मोबाइल के लिए होल शॉप की उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए खिलौना बच्चों के लिए बिल्कुल सस्ते रेटों में है, सस्ते का मतलब ये है कि अदर मार्केट से आपको सस्ता मिलेगा, बट एक चीज़ मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आपको स्मार्टली, ये देखिए रिंग लाइट आपके सामने लगी हुई है, और जो लोग रील्स बनाते हैं या यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं उनके लिए रिंग लाइट यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये देखिए घड़ी का ये शॉप है और मिठाई का भी है, ये देखिए बैक कवर कितना इन्होंने लगाया हुआ है। और अभी हम इस सामने वाली गली में चलते हैं, यहाँ पर ये जो गली है देखिए मोबाइल रिपेयरिंग सामने लिखा हुआ है ना, इसी के अंदर अभी हम चलेंगे और उसके बाद आपको वहीं से दिखाएंगे। देखिए अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर, देखिए कवर किंग यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, बैक कवर एंड टेम्पर्ड ग्लास का होल सेल विक्रेता, यहीं से लोग खरीद के ले जाते हैं अपने लोकल मार्केट में बेचते हैं, यही वो मेन शॉप है जहाँ से अपने लोकल मार्केट में गाजीपुर में जौनपुर में बलिया में और भदोही में जो आसपास के ज़िले हैं यहीं से लोग ले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर बैक कवर का कलेक्शन,
₹20 से स्टार्टिंग है, ₹20, ₹30, ₹50, ₹150, ₹200, मतलब यह है कि मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक आपको जैसा चीज़ चाहिए, जैसी क्वालिटी चाहिए। तो ये वो गली है, ये वो जगह है जहाँ पर मोबाइल से संबंधित चीज़ें आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। शुरू में आपने कपड़ा देखा, फिर उसके बाद आपने स्लीपर्स देखे, सैंडल देखे, उसके बाद बैग देखा आपने, और अब ये मोबाइल का सीन चल रहा है। तो यही है ज़बरदस्त। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महा